प्रभु तेरा प्यार सादर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार
चमका, तारों से चमका है आसमां, फादर जी के आने से रोशन है मंसर का समा। सर्वप्रथम आज के इस सुंदर दिन के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें यह दिन देखने का शुभ अवसर प्रदान किया। आज का दिन हम सबों के लिए बड़े हर्षोल्लास का दिन है। आज हम सब यहाँ हमारे पल्ली पुरोहित फादर येसुराज की रजत जयंती मनाने हेतु बड़ी खुशी के साथ आए हैं। जीवन यह ईश्वर द्वारा मिला एक वरदान है जो सभी बहुमूल्य रत्नों से अनमोल है। इस बहुमूल्य रत्न को फादर जी ने ईश्वरीय सेवा व उनके कार्यों को पूर्ण करने के लिए समर्पित कर दिया है तथा यह समर्पित जीवन जीने के लिए उनका मार्गदर्शन करने वाले उनके माता पिता व परिवार के सभी सदस्यों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। सूर्य चमका, दिन चढ़ा, कली खिली, फूल महका, रात आई, चिरागों की रोशनी लाई, चिरागों की रोशनी से अंधियारी हटाई। ईश्वर का राज्य फैलाने के लिए अतुल्य है वर्णन फादर जी के द्वारा किए गए कार्यों का। फादर जी, आपने अपने जीवन में सभी पल्ली वासियों में ईश्वरीय वचनों का प्रचार किया। बाइबिल की महत्वपूर्ण बातों जो आप हमारे जीवन जो हमारे लिए आवश्यक है उनका ज्ञान देते हैं। फादर जी, आप ईश्वरीय ज्ञान से परिपूर्ण है। ईश्वर ने आपको आध्यात्मिक ज्ञान का वरदान दिया है क्योंकि आत्मिक अज्ञानता को एक नया मोड़ मिल जाता है। यह ईश्वर द्वारा आपको विशेष वरदान प्राप्त है। आपका यह कार्य जो एक सराहनीय है, मंसरपल्ली में BCC सबकी सेवा करने का वरदान दे दो। हमें अपनी तरह सबकी सेवा करने का वरदान दे दो। अपने चरणों की रज के तिलक का वरदान दे दो। अपने चरणों की रज के तिलक का वरदान दे दो। हम आपके कदमों पर चल सके ऐसी आशीषों का दान दे दो। फादर जी, आप नाम याद है। आप लोगों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आपकी प्रार्थना द्वारा अनेक लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला है। जनरल आदरणीय फादर जरूर पिंटो, हमारे पल्ली पुरोहित फादर येसुराज, फादर जी के परिवारगण, उपस्थित फादर, सिस्टर, ब्रदर, यहाँ उपस्थित सभी विश्वासी गणों का इस मिसा बलिदान में स्वागत है। आज हम फादर येसुराज के लिए विशेष प्रार्थना करें कि ईश्वर सदैव उनके साथ रहे, जिससे वे ईश्वर के राज्य को दूर दूर तक फैला सके और उनका भविष्य सफल हो जाए। इन शुभकामनाओं के साथ हम इस मिसा बलिदान का आरंभ करें। और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। संत पेत्रोस अपने पहले पत्र में कहते हैं, आप लोगों को ईश्वर का जो झुंड सौंपा गया उसका चरवाहा बने, ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करें, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, गिनावने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से। जी हाँ प्यारे भाई तथा बहनों, ईश्वर ने मुझे कोशिश किया है, ईश्वर की इच्छा के अनुसार ईश्वरीय प्रजा को ईश्वर की ओर ले चलने के लिए। और इस महान कार्य में आए हुए अनेक व्यक्ति अलग अलग पल्ली से मेरे साथ दिया है और हम सब मिलकर ईश्वर के राज्य को 25 सालों से आगे बढ़ाया है। इसलिए हर एक पल्ली से आए हुए विश्वासीगण और मेरे फादर रिक्के जनरल जेरोम पिंटो, अन्य सभी पुरोहितगण के साथ आज हम सब मिलकर ईश्वर को धन्यवाद के यह मिसा बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि जो कुछ हम में अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, जब हम ईश्वर को समर्पित करते हैं, ईश्वर उसे पूर्ण बनाता है, पवित्र बनाता है और ईश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। यही हुआ प्यारे भाई तथा बहनों, तो आइए इस पवित्र बलिदान ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं।
कि हम हर एक व्यक्ति अयोग्य होने पर भी हमारे कमजोरियों को ईश्वर क्षमा करते हैं और हमें अपनी सेवा कार्य में इस्तेमाल किया है। धन्यवाद भरा हृदय से हम ईश्वर के बलिदान योग्य रीति से चढ़ाने के लिए आइए अपने पाप स्वीकार करें और ईश्वर से क्षमा मांगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर उनको अनंत जीवन प्रदान करें। विश्वसनीय प्रभु ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने मुझ पर दया दृष्टि की है। अपने रजत जयंती के अवसर पर मैं पुनः अपने को तुझे समर्पित करना चाहता हूँ। तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं।
करूंगा। अब मैं प्रभु के सब उपकारों का और उसके महान कार्यों का बखान करूंगा। उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। उसने अपनी अनुकंपा तथा अपनी महती कृपा के अनुरूप इसराइल के घराने के भारी उपकार किए। उसने कहा, वे निश्चय मेरी प्रजा, मेरे पुत्र है, वे मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। उनके सभी दुखों में वह उनका उद्धारक बना। किसी स्वर्गदूत को भेजकर नहीं, बल्कि स्वयं आकर उसने उनकी रक्षा की। अपने प्रेम तथा अपनी अनुकंपा के अनुरूप उसने स्वयं आकर उनका उद्धार किया। वह उन्हें गोद में उठाकर प्राचीन काल से ही संभालते आ रहा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। मसीह का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप लोग मसीह से संयुक्त होकर अभिव्यक्ति और ज्ञान किस प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और अब आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के अनंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है और उसी ने आप लोगों को अपने पुत्र हमारे प्रभु ईसा मसीह के सहभागी बनने का के लिए बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष।
के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 11 वाक्य संख्या 25 से 30 तक। उस समय ईसा ने कहा, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हां पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु का सुसमाचार। और उसमें सिर्फ 12 या 13 परिवार है। और जब मैं यहां आकर फादर येसु राज को उसका यहां नियुक्ति जो बिशप ने की थी वो आकर उसको यहां लाया था, उस दिन मिस्सा के समय मैंने यहां के सभी पल्लीवासियों से कहा कि देखो, 14 जनवरी को तुम्हारे लिए यहां एक महान दिन बनकर रहेगा, अच्छी तरह से उसकी तैयारी करो, क्योंकि उस दिन फादर येसु राज का पुरोहिताई जीवन का 25 साल समाप्त होने जा रहे हैं। पहले के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं कि कितने आए हैं, परंतु जो मैंने यहां कहा था उसका तो नतीजा यहां देख रहा हूं। बहुत अच्छी रीति से आज यह समारोह आप लोगों ने तैयार किया है। यही है एक पुरोहित का जीवन। पुरोहित को अभिषिक्त किया जाता है कि वह लोगों की सेवा करे, जहां जाए वहां लोगों की सेवा करे, विशेष करके उनके आध्यात्मिक जीवन का सेवा करे। और जब एक पुरोहित अपने 10, 15, 20, 25 साल समाप्त करता है, उस समय वो अपने इन सालों में जो पुरोहिताई जीवन उसने बिताया है उसका लेखा लेता है। लोग तो एक पुरोहित का लेखा रोज लेते हैं, वो तो सही है, परंतु एक पुरोहित अपना लेखा भी लेता है। यहां जो फादरगण हैं जिन्होंने 25 साल, 40 साल, कई लोगों ने 50 साल भी पुरोहिताई जीवन बिताए हैं, 30वां साल हो रहा था, होने के बाद मैं अपने कमरे में बैठकर पैर टेबल के ऊपर रखकर सोच रहा था कि ये 25 साल में मैंने क्या किया। और हमारे नजरों में सब कुछ आता है, छिपा नहीं रहता है, सब कुछ आता है। जो हमने करना चाहिए था वो किया है, जो हमने नहीं करना चाहिए था
वो जो किया है वो सब कुछ आता है। और प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे त्रुटियां, कमजोरियां, गलतियां बहुत कम रहते हैं। हमने जो किया है वो बहुत कुछ बनकर रहता है। मैंने सोचने के बाद फिर पैर नीचे किया, मेरा सिर झुकाया और ईश्वर से कहा, तुमने महान कार्य किए हैं। एक मामूली इंसान को तुमने चुन लिया था और आज 25 साल तुमने मुझे वो सब कुछ दिया है जो मैं योग्य नहीं था, और फिर मैं सिर्फ तुम्हें वापस मेरा सिर झुकाकर यही कहता हूं, धन्यवाद। मैं ये सोचता हूं कि फादर येसु राज ने भी यही किया कल रात को, या अगर नहीं किया तो आज रात को मैं कहूंगा वो जरूर करे, क्योंकि एक पुरोहित का जीवन वही है और वैसा ही होना चाहिए। आज के तीनों पाठ उसी पर केंद्रित है। मैं कुछ नहीं हूं, तुमने मेरे जीवन में इतने महान कार्य किए हैं, मैं सिर्फ उसे बखान कर सकता हूं, मैं सिर्फ तुझे धन्यवाद कह सकता हूं, मैं सिर्फ सिर झुकाकर तेरे असीम दया और कृपा का धन्यवाद कर सकता हूं। इसलिए येशु ख्रिस्त कहता है आज के सुसमाचार में, जो मैंने मेरे पिता से सीखा है वही तुम्हें बताया है, नम्र बन जाओ। एक पुरोहित को उसके पुरोहिताई के अभिषिक्त दिन पर यही शिक्षा दी जाती है, नम्र बनो। नम्र बनकर येशु ख्रिस्त की शिक्षा को ग्रहण करो। येशु ख्रिस्त कहता है अगर तुम वैसा करोगे तो फिर तुम्हारा क्रूस मैं हल्का करूंगा, जो बोझ है उसको मैं उठाऊंगा और तुम मेरे साथ जरूर आगे बढ़ोगे। ऐसे दिन प्रिय भाइयों और बहनों, आप लोग एक पुरोहिताई जीवन समझना चाहिए। बहुत लोग समझते हैं कि एक पुरोहित को जब अभिषेक किया जाता है वो इस दुनिया से बाहर निकलता है, आसमान में चला जाता है, वो कोई गलती नहीं कर सकता है, वो इंसान नहीं होता है। एक दृष्टि से वो सही है, क्योंकि एक मामूली इंसान को ईश्वर चुनता है। और कभी उसे सोने को समय नहीं था, कभी कभी उसको खाना खाने के लिए समय नहीं था, आराम करने के लिए समय नहीं था, वो खुद को येशु ख्रिस्त के समान बनने के लिए उसे दुख तकलीफ उठाना है। बहुत लोगों ने येशु ख्रिस्त को उसके जीवन में गलत समझा, बहुत लोगों ने उसके विरुद्ध कार्य किया, येशु ख्रिस्त को बहुत दुख लगा, परंतु उसने किसी के विरुद्ध कुछ नहीं किया। वैसा ही एक पुरोहित अगर अल्टर क्रिस्टस है तो उसे भी येशु ख्रिस्त के समान ही। हमने बाइबल में या सुसमाचार में कभी भी ये नहीं सुना कि येशु ख्रिस्त ने कुछ गलत उदाहरण दिया। अपने जीवन में उसने हमेशा लोगों को एक ये कौन व्यक्ति है ये हम लोगों को अचंभे में डालता है, क्योंकि उसका उदाहरण बहुत अच्छा था। और एक पुरोहित को भी लोगों को अच्छा उदाहरण देना चाहिए। और अगर ये होता है प्रिय भाइयों और बहनों, उन्हें अभिषेक संस्कार के द्वारा, पुरोहिताई अभिषेक संस्कार के द्वारा ईश्वर या येशु ख्रिस्त का उन्हें एक छाप मिलता है। इसलिए यह संस्कार सिर्फ एक ही बार लिया जाता है। वो छाप उन पर लगता है, वो छाप देना चाहिए। ये उसके तीन विशेष काम है। उसे उड़ के जाता है एक बड़े चर्च में, अपने बड़े चर्च नहीं, बहुत बड़े चर्च में एक फादर उपदेश दे रहा था। वो इंसान अपना सिर झुका रहा था तो
तो मिस्सा के बाद बार बार उसने देखा ये हुआ। मिस्सा के बाद उसने उसको बुलाया और कहा, देखो जब मैं बोल रहा था, वो भी कुछ विशेष बोल रहा था लोगों को, तो उसके लिए था। तो हम लोग समझते हैं कि जब एक पुरोहित हमसे कुछ कहता है वो मेरे लिए नहीं है, नहीं तो उसका पुरोहिताई जीवन बेकार है। अगर वो बड़े बड़े पुस्तकों में से बड़े बड़े व्याख्या करता है और लोगों को बहुत कुछ बताता है और उसका पुरोहिताई जीवन नथिंग, कुछ नहीं है उसमें, दम नहीं है। उसे ईश्वर का वचन सुनाना है, शुभ संदेश देना है। जैसे लोग भी अपने परिवार को छोड़कर दूसरे परिवारों को मजबूत बनाते हैं, दैट्स ऑल रॉट, वो सही नहीं है। वहां तकलीफ होगा, वहां लोग कभी कभी स्वीकार नहीं करेंगे, वहां लोग पहचानेंगे, जानेंगे। फिर भी अगर जो पांच कार्य मैंने बताए एक पुरोहित का, वो करते रहेगा, उसके अनुसार जिएगा, तो ये काम आसान हो जाएगा। एक पुरोहित जरूर अपने रेवड़ की रक्षा करेगा, उनका देखभाल करेगा और वह उनको एक ऐसा समुदाय बनाएगा जिसमें ईश्वरीय वचन और ईश्वरीय कार्य बनकर रहेंगे। इसलिए एक पुरोहित को विशेष नियुक्ति दी जाती है और बिशप उसमें लिखता है, यू आर द पैरिश प्रीस्ट ऑफ अ सर्टन प्लेस, यू आर नॉट द पैरिश प्रीस्ट ऑफ ऑल द प्लेसेस। अपने लोगों के लिए संस्कार नहीं देगा, दूसरे जगह पर जाकर संस्कार देगा, दैट इज नॉट अ प्रीस्ट। पुरोहिताई रहेंगी उसकी, बट ही इज नॉट डूइंग द वर्क ऑफ अ प्रीस्ट। तीसरा है, अपने लोगों के लिए विशेष मिस्सा पूजा और अन्य संस्कार का वितरण करना, ये सिर्फ एक पुरोहित कर सकता है और हम इसमें हमेशा आगे बढ़कर रहना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई नहीं कर सकता है। मिस्सा पूजा हमेशा हमारा केंद्र बनकर रहना चाहिए, हर एक को बताना है मिस्सा पूजा हमारा केंद्र है। इसलिए आज फादर येजू राज ने हम लोगों को पहला मिस्सा पूजा में बुलाया है, बाद में वो खाना और पीना और नाचना और गाना, पहला मिस्सा पूजा। ये प्रभु येसु क्रिस्त का बलिदान है, ये बलिदान में प्रभु येसु क्रिस्त एक पुरोहित को उस सारे शक्तियां देता है, उसका शरीर और रक्त यहां इस वेदी पर लाकर लोगों को देना। दिस इज द सेंटर ऑफ आवर लाइव्स, ये हमारे जीवन का केंद्र है। बहुत लोग इसे नहीं समझते। आज 25 साल जब हम एक पुरोहित का मनाने आए हैं, कितने मिस्साएं इसने अर्पित किया है, बहुत, कितने जगह पर उसने अर्पित किया है, बहुत पल्लियों में। ये एक पुरोहित का कार्य है और इस कार्य को एक पुरोहित अच्छी तरह से तैयारी करके आना है। कुछ भी आके नहीं बोलना है, कुछ भी आके नहीं करना है। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर ये मिशन कार्य करना है, ये तीन विशेष कार्य, तो फिर एक पुरोहित को अपने लोगों के लिए उसे मिस्सा पूजा अर्पित करके उनके लिए प्रार्थना करना है। वो लोगों का एक टीचर बनकर रहना चाहिए, उनको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए और ये सब ईश्वरीय कार्यों का उन्हें उसे बताना है। वो एक व्यक्ति है जो लोगों को चंगाई देता है, विशेष करके वो बीमारों का संस्कार देकर उन्हें पापों से मुक्त करता है। कोई दूसरे लोग पापों से मुक्त नहीं कर सकते। यीशु क्रिस्त ने जब लोगों को पहले पाप से मुक्त किया और फिर उन्हें चंगाई दी शारीरिक, तो लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, ये कौन है, ये पाप क्षमा करता है, ये सिर्फ ईश्वर कर सकता है। हाँ, उस पाप स्वीकार में जब पुरोहित बैठता है, वो वहां ईश्वर का जगह ले रहा है और ईश्वर उसके जरिए पाप क्षमा करता है।
कि एक पुरोहित का कार्य पाप क्षमा में सबसे महान बनकर रहता है। लोग बड़े बड़े पापों से लदे हुए रहते हैं, आकर अपना जीवन को हल्का करते हैं, एक नया जीवन पाकर चले जाते हैं। कितने लोगों ने मुझसे कहा, एक अच्छा पाप स्वीकार होने के बाद हम बहुत हल्के हो गए फादर। मैंने कहा, तुम्हारा वेट तो उतना ही है, मन और शरीर और आत्मा में हम हल्के हो गए हैं। कितना कहना, कितना अच्छा है। विशेष करके प्रिय भाइयों और बहनों, पुरोहित हम लोगों को मालूम है एक इंसान है, और दुनिया के जो कुछ होता है सब कुछ है वो पुरोहित को भी घेर ले सकता है। विशेष करके दुनिया की ये खुशियां, धन दौलत, पैसा और ये सब जो एक मनुष्य को घेर लेता है और उसको फंसा देता है और उसी में वो रहता है, निकलने में कभी कभी बहुत तकलीफ होता है, वैसे एक पुरोहित भी इसका शिकार हो सकता है। तो इसलिए हम पुरोहित आज ये जानना चाहिए कि हम यीशु क्रिस्त के समान बन गए हैं। एक पुरोहित अपने आप को जो प्राप्त करने के लिए, सब दुनिया के वस्तुएं प्राप्त करने के लिए नहीं बनाया गया है। एक पुरोहित अपने आप को पवित्र बनने के लिए बुलाया गया है। अंग्रेजी में बहुत अच्छा से बताया जा सकता है, अ प्रीस्ट इज नॉट टू ग्रेटिफाई हिमसेल्फ बट टू सैंक्टिफाई हिमसेल्फ। हम दुनिया के चीजों में रहते हुए भी हम दुनिया की चीजों में फंस नहीं जाना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए, मगर फंसना नहीं चाहिए कि हम उससे निकल नहीं सकते। ऑलवेज वी मस्ट सैंक्टिफाई आवरसेल्फ, नॉट ग्रेटिफाई आवरसेल्फ। सेकेंडली, एक पुरोहित हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मैं जैसे संत योहन बपतिस्ता के समय मैं घटना चाहिए, यीशु क्रिस्त मुझ में बढ़ना चाहिए। कितना महान संत है वो, उसने लोगों को यीशु क्रिस्त दिखाया और उसके भी चेले यीशु क्रिस्त के पास गए और बहुतों ने उससे कहा कि देखो तुम्हारे चेले भी चले गए, और उसने उनसे कहा, मैं सिर्फ एक रास्ता दिखाने के लिए आया था, मैं सिर्फ लोगों को एक दीपक जैसा बनकर रहा था, मैंने वो रास्ता तैयार किया है, आप यीशु क्रिस्त उसके ऊपर चलने दो। तो अ प्रीस्ट मस्ट डिक्रीज, अपने जीवन में वो कम होते जाना चाहिए, एंड क्राइस्ट मस्ट इंक्रीज थ्रू हिज लाइफ। एक अच्छा उदाहरण है एक बड़े कंडक्टर टॉस्कैनिनी, बहुत प्रसिद्ध एक ऑर्केस्ट्रा, बड़ा बैंड का कंडक्टर था, और बड़े बड़े कॉन्सर्ट उन लोगों ने दिए थे, और हर एक कॉन्सर्ट के पहले जितने लोग वहां वो कॉन्सर्ट में भाग ले रहे थे, वो उनसे पहला कहता था कि देखो आज हम सब मिलकर ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति का गाना लोगों को सुनाने जा रहे हैं। एक प्रसिद्ध व्यक्ति जिसने ये लिखा था, जिसने इसको सुर दी थी, उसका गाना हम लोगों को सुनाने जा रहे हैं। और वो उनसे कहता था, तुम कुछ भी नहीं हो, मैं कुछ भी नहीं हूं, वो जिसने ये गाना लिखा है और सुर दिया है वो सब कुछ है। कहने का ये था कि वो गाने में आगे बढ़ने दो। उसी समान प्रिय भाइयों और बहनों, एक पुरोहित भी अपने आप से कहना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं हूं, अगर मैं आज इतना कुछ हूं जो हमने सुना मिस्रा के पहले फादर येजु राज के बारे में, हम फिर भी येजु क्रिस्त के सामने कहना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ येजु क्रिस्त है। अगर वो आगे बढ़े तो मैं महान बन जाऊंगा, अगर मैं उसके रास्ते में रुकावट बन जाऊंगा तो फिर मैं मेरा पुरोहिता जीवन को बेकार कर दूंगा। ये भाइयों और बहनों, अपने पुरोहित
से प्रेम रखो। एक पुरोहित आता है आप लोगों के जीवन में और वो आप लोगों के लिए सेवा करता है, उससे प्रेम रखना, उसका ख्याल रखना, उसका देखभाल करना। एक पल्ली में अगर पुरोहित नहीं है, वहां उनको मालूम पड़ता है कि एक पुरोहित का क्या अर्थ बनकर रहता है। जब उसके अभाव में रहते हम, पुरोहित के अभाव में, तब हमें मालूम पड़ता है कि एक पुरोहित का जीवन क्या बनकर रहता है हमारे जीवन में। इसलिए अपने पुरोहितों से हमेशा अच्छा रिश्ता रखो, उनकी देखभाल करो, उनसे प्रेम करो कि वे भी एक इंसान है और चाहते हैं कि वो कार्य जो कर रहे हैं वो कार्य हम उसका अर्थ उसको दिखाए। सर्वप्रथम हम उसको ये अर्थ दिखा सकते हैं हमारा जीवन बदल कर। एक पुरोहित को और क्या खुशी है जब सब लोग एकत्रित होके उसके साथ प्रार्थना करते, और क्या खुशी है। इसलिए अपने पुरोहितों से रिश्ता अच्छी तरह से रखो। आज हम सब मिलकर फादर येसुराज को सर्वप्रथम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें यहां बुलाया है, इस उसके महान दिन में भागीदारी बनने के लिए हमें निमंत्रित किया है। और हमें हम उसे आश्वासन देते हैं कि जिस तरह उसने ये 25 साल पुरोहिताई जीवन जीकर आज ईश्वर को वो धन्यवाद दे रहा है, हम उसमें मिलकर उसके साथ ईश्वर को धन्यवाद दें और यही कहे उससे कि आज तक वो पुरोहित अच्छा पुरोहित बनकर रहा है, इसके बाद भी जितना लंबा जीवन ईश्वर उसे दे उसमें भी वो वैसा ही किया करे, एक अच्छा पुरोहित बनकर यीशु क्रिस्त का कार्य लोगों के बीच में हमेशा चालू रखे। उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम विशेष करके प्रार्थना करें और इस धर्म प्रांत में उसका भी महान हिस्सा है। 25 साल इस धर्म प्रांत के लिए उसने कार्य किया है और बिशप स्वामी भार है और उसके नाम पर और हमारे यहां उपस्थित सभी पुरोहितों के नाम पर उसे आज धन्यवाद बोलते हैं। सारे मन से बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं और कहते हैं योर सर्विस इज अप्रिशिएटेड, गॉड ब्लेस यू टुडे एंड एवरी डे ऑफ योर लाइफ, आमेन। जवाब के साथ हम अपने सभी मांगों को रखते हैं। हमारी जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सारे विश्वासियों के चरवाहा तथा राजा, आज के सुंदर बेला में हम इस नौका के रूप में दस सिस्टरों को समर्पित करते हैं। जिस प्रकार नाविक नौका को किनारे तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसी प्रकार हमारी कैथलिक कलीसिया के लोगों को आध्यात्मिक जीवन की मंजिल अर्थात आप तक पहुंचाने का कार्य वे लोग करते हैं। वे हमें आदर्श ईश्वरीय जीवन बिताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं व हमेशा हमारे मार्गदर्शक बने रहते हैं। आप इन सबों पर अपनी असीम कृपा बरसाइए व हमेशा इन सबों के कार्यों में आप सहायक बनकर इनके साथ रहिए और इनका मार्गदर्शन कीजिए। इस प्रतीकात्मक चढ़ावे को स्वीकार कीजिए। हियारे से उजियाले की ओर ले जाने वाला एकमात्र पथ प्रदर्शक, इस जलती मोमबत्ती के रूप में हम आपके पावन चरणों में फादर येसुराज को समर्पित करते हैं। मोमबत्ती उजियाले का प्रतीक है, यह स्वयं अपने अस्तित्व को मिटाकर दूसरों को प्रकाश देती है। उसी प्रकार फादर ने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वह हमेशा ईश्वरीय वचनों व प्रार्थना द्वारा हम सबों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं।
आप उनके इन कार्यों में हमेशा उनके साथ रहिए और अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से उन्हें भर दीजिए, जिससे वे इस पल्ली का कार्यभार सही रूप से संभाल सके और पल्ली को विकास के मार्ग पर ले जाए। इस प्रतीकात्मक चढ़ावे को स्वीकार कीजिए। घर का निर्माण केवल पत्थरों व लकड़ियों से नहीं होता, आपसी प्रेम, क्षमाशीलता व ईश्वरीय श्रद्धा पर निर्भर है। फादर जी का परिवार इन सभी बातों से परिपूर्ण है। इनकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा अपूर्व है। उसी श्रद्धा का प्रतिफल है हमारे फादर येसुराज। जिस प्रकार आप हमेशा उनके मार्गदर्शक रहे, आगे भी आप उनका मार्गदर्शन कीजिए। हे पिता, आप उन सबों पर ऐसी आशीष बरसाइए जिससे उनकी श्रद्धा व विश्वास आप पर बना रहे और उनके परिवार के सभी सदस्यों को शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान कीजिए और उनके हृदयों में अपनी उपस्थिति बनाए रखिए। हे पिता, इस प्रतीकात्मक चढ़ावे को स्वीकार कीजिए। हे सर्वव्यापी पिता परमेश्वर, हम इस अगरबत्ती के रूप में फादर जी के जीवन में आए सभी शुभ चिंतकों के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार अगरबत्ती हमें खुशबू देती है, उसी प्रकार इन सभी शुभ चिंतकों ने फादर को उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया और सभी परिस्थितियों में उनका मार्गदर्शन किया। आप इन सबों के जीवन में अपनी उपस्थिति हमेशा बनाए रखिए। उन सबों के जीवन को हर प्रकार की खुशियों से भर दीजिए। हर कठिन परिस्थितियों में आप उनकी सहायता कीजिए। उन सबों पर अपनी अपार कृपा बरसाकर उन्हें पुरस्कृत कीजिए। हे पिता, इस प्रतीकात्मक चढ़ावे को स्वीकार कीजिए। सर्वगुण संपन्न दयालु पिता, हम आपके पावन चरणों में सभी पल्लीवासियों को समर्पित करते हैं। जिस प्रकार यह गुलदस्ता विभिन्न प्रकार के फूलों से बना है, उसी प्रकार अनेक लोगों से मिलकर हमारी इस मंसर पल्ली का निर्माण हुआ है। हे पिता, आप इस पल्ली के सभी परिवारों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। परिवारों में आने वाली हर मुसीबतों, मुश्किलों के सामने आप ढाल बनकर उपस्थित रहिए। परिवारों में अपनी शांति व आशीष बरसाइए, जिससे इनका विश्वास आप पर बना रहे। परिवार के सभी बीमार सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान कीजिए। हे पिता, इस प्रतीकात्मक चढ़ावे को स्वीकार कीजिए। भारत देश को समर्पित करते हैं। जिस प्रकार तीन विविध रंगों से मिलकर यह तिरंगा तैयार हुआ है, उसी प्रकार विविध जाति व धर्मों के लोगों से मिलकर देश का निर्माण हुआ है। आप सभी नागरिकों पर अपने दया दृष्टि बनाए रखिए, जिससे देश में हमेशा एकता, भाईचारा व शांति बनी रहे। इस देश के नेता हमेशा देश की प्रगति व विकास के लिए अथक प्रयत्न करें और इस देश में हो रहे भ्रष्टाचार व आतंकी हमलों को कम करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। ऐसी सद्बुद्धि उन्हें प्रदान कीजिए। हे पिता, इस प्रतीकात्मक चढ़ावे को स्वीकार कीजिए।
परिवर्तन भी स्वीकार कर, जिसकी पुष्टि मैं आज पुनः कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तो मुझे अपने प्रिय पुत्र के अधिक अनुरूप बना दे, जो युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए, हम अपने प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद दे। ये पूज्य पिता यह परम उचित है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नव निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक साथ गाते हैं। आमीन। रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तो मेरी स्मृति में यह किया करो। परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। आज विशेष रूप से हम फादर यशुराज के परिवार के सभी मृत सदस्यों के लिए, उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करें, जिनके
सांसारिक बलिदान के कारण आज फादर अपनी रजत जयंती मनाते हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, विशेष रूप से फादर यीशुराज, प्रभु उनके जीवन में और भी कृपाएं आशीष बहुताय से प्रदान करे कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ ये समाधि तथा महिमा निगाहते रहती है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्राइस्ट फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्राइस्ट, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। आइए परस्पर प्रेम भाव रखें। प्रभु के बोझ में बुलाए गए हैं, एक सूचना है, अभी यहाँ हम ईसाइयों का पूरा विश्वास है कि जो हम ग्रहण करते हैं वह प्रभु का शरीर है और हम पूरे विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करके इस परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अतः उन लोगों से जो कि ख्रिस्तीय नहीं है, जो कैथोलिक नहीं है, ईसाई नहीं है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप अपने स्थान में ही बैठे रहे और प्रार्थना करते हुए ईश्वर से आशीष मांगे, इस परम प्रसाद को ग्रहण करने आगे ना आए।
Thank you.